प्रभु मैं तप करना चाहती हूँ, पर शास्त्र की आज्ञा है बिना पति की अनुमति के माताओं को स्वतंत्रतया कहीं बाहर से सुन करके, महाराज ने बताया है, व्यास जी बता गए, अमुक पंडित जी बता गए, अमुक कोई सन्यासी महाराज, नहीं नहीं करना चाहिए। माताओं को जो व्रत करना है, जो तप करना है, जो अनुष्ठान करना है, अपने पति की अनुमति से ही करना चाहिए। अब ये अनुमति राजी से नहीं दें तो जैसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए, तुम पे बहुत रास्ते आम हैं, मना लो, परंतु बिना उनकी अनुमति के नहीं। क्योंकि बिना पति की अनुमति के होगा तो निष्फलम खलु यत भर्तु रच्छंदे न क्रियेत ही। पति की अनुमति के बिना यदि होगा तो उसका फल नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा, और उसका परिणाम तो और भी खतरनाक बताया जा रहा है, भर्तुच्छेदनम नारीणाम। ऐसा भी हो सकता है कि आप कर रहे हो अच्छे के लिए पुण्य और व्रत, और कहो हाथ ही धोना पड़ जाए उन श्रीमान जी से, ये भी संभव है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ये बताओ नाराज क्यों हो, तो बता दिया सत्य कसम खानी पड़ी, सैकड़ों सैकड़ों कसम खाई भगवान, कसम दी भगवान ने, तब जाके बताया कि वो जो फूल आया था, कभी कभी माताओं के रूठने के आकार बड़े होते हैं पर कारण बहुत छोटे होते हैं, धरती आसमान एक, पर रोना धोना उठना पीटना कूटना सब, पता क्या बोले फूल के चक्कर में परेशान है, रुक्मिणी के मात को क्यों दिया आपने फूल, हमको क्यों नहीं दिया। तदेवम सती नेच्छामी जीवितुम मान वर्जिता, आज मेरा सम्मान चला गया इसलिए जीना भी नहीं चाहती। अंत में भगवान कृष्ण ने अनुमति दी और अंत में भगवान ने यह भी कहा कि देवी आप चिंता मत करो, मैंने रुक्मिणी को तो केवल एक फूल दिया है, तुम्हारे लिए तो पूरा कल्प वृक्ष उखाड़ के ले आऊं। सत्यभामा ने कहा झूठ बोलते हो, कहीं नहीं लाओगे कल्प वृक्ष, भगवान ने कहा नहीं लाएंगे। और नारद जी महाराज के माध्यम से भगवान ने सूचना पहुंचाई इंद्र को कि कल्प वृक्ष चाहिए, हम लेने आ रहे हैं। इंद्र ने कहा खबरदार, स्वर्ग की संपत्ति एक कणक भी नहीं दो, ये धरती पर नहीं जा सकती। भगवान शंकर ने भी एक बार कल्प वृक्ष मांगा तो चरण पकड़ करके हाथ जोड़ करके इंद्र ने मना लिया, पर कल्प वृक्ष नहीं दिया। भगवान ने फिर दोबारा भेजा नारद जी को, कह दो जा करके कि मैं आक्रमण करने को तैयार हूं। इंद्र पहुंच गए बृहस्पति की शरण में, महाराज क्या करूं। नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा सुनाई। बृहस्पति जी ने कहा देखो एक काम करो, तथा शक्र करिष्यामि यथा न्यायम भविष्यति। अब लड़ाई होती है तो थोड़ा बहुत हो जाने दो, मैं बीच का रास्ता निकालूंगा। भगवान कृष्ण ने इंद्र पर आक्रमण किया, युद्ध भी हुआ, अंत में कश्यप और अदिति दोनों के दोनों आए। पहले भगवान शंकर की शरण में गए, प्रभु अनर्थ हो रहा है, ये कृष्ण और इंद्र दोनों मेरे ही अपने हैं, दोनों लड़ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मध्यस्थता मैं नहीं करूं, तुम जाओ दोनों के बीच में जाओ, तुम्हारे दोनों बच्चों का, अर्थात कृष्ण भी एक प्रकार से भगवान कश्यप जी महाराज की वसुदेव के रूप में पुत्र भाव से हैं, और इंद्र तो कश्यप जी के साक्षात पुत्र है ही हैं। कश्यप जी महाराज ने समझौता कराया, तब बात बनी, और अंत में भगवान कृष्ण को इंद्र ने कल्प वृक्ष दिया कि प्रभु ले जाओ। भैया रात्रि को युद्ध विराम हुआ और अंत में रात्रि में भगवान कृष्ण ने गंगा जी का स्मरण किया, बिल्व फल पर ही भगवती माँ गंगा के सहित भगवान शंकर की भावना की और पूजन करने लग गए। तस्थौ उपरि बिल्वस्य तथा गंगो दकस्य च, बिल्व की जड़ में भगवती माँ जगदम्बा की पूजा का विधान देवी पुराण में आता है। भगवान राम ने रावण पर युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए पूजा की थी, और बिल्व फल में यहाँ, बिल्व में यहाँ भगवान शंकर की पूजा का वर्णन, तो भगवान कृष्ण भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शंकर ने प्रसार्य दक्षिणम हस्तम नारायणम अथा ब्रवीत। भगवान शंकर ने कहा घबराओ मत, धैर्य धारण करो, पारिजात लेकर के ही जाओगे। अंत में समन्वय हुआ, समझौता हुआ, और कल्प वृक्ष लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए हैं। सत्यभामा ने पुण्यक व्रत किया है, जिस व्रत को पहले माता पार्वती ने भी किया था,
उस संकल्प में 1000 गायों के सहित भगवान कृष्ण का दान किया है सत्यभामा ने नारद जी महाराज को। अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान की जाती है, सबसे प्रिय भगवान कृष्ण दान कर दिए, नारद जी महाराज कृष्ण को लेकर चल दिए। अब सत्यभामा छटपटाई, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने दान कर दिया, नारद दे में ही नहीं। सत्यभामा कहे प्रभु इनके बिना तो जी नहीं पाएंगे, तो बदले में कुछ दक्षिणा, 1 सवत्सा गौ और तुलसी दल दे करके तब नारद जी महाराज से भगवान कृष्ण को वापस पाया है।